हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत नज़ीर है। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ माय ऑनलाइन ट्यूटरिंग डॉट कॉम। वी कैन डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश, बट आवर टारगेट मार्केट इज पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। वी मेनली फोकस ऑन पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, दोज अंडरस्टैंड हिंदी और उर्दू। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ you can see say the lectures, those are recorded in English language, but we think that if you want to offer any lesson, any lecture for the betterment of masses, so then it's better to convey the message in Hindi or Urdu. To hum jo ye lecture record karenge, that will be in Hindi or Urdu. Otherwise we can deliver the lecture in English language, but that depend on the request or requirement of individual student in which we charge. Otherwise our videos are free, you can watch them, you can get maximum benefit from them. अच्छा जी, हुआ ये है कि मैंने इस वीडियो से पहले तीन लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। उन तीन लेक्चर्स को, उन तीन लेसन्स को हमने ये बताया है कि अगर आपने उन लेसन्स को देख लिया तो आप कंप्लीटली मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। और हमने ऑब्जेक्टिव यही रखा कि कोई भी जो हमारा स्टूडेंट है, जो खासकर पाकिस्तानी स्कूलों में हो, इंडियन स्कूलों में हो या कहीं और मौजूद हो, और वो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो एक घंटे में हमने कवर की है, जब हमारे चारों लेक्चर्स को एकोमुलेट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो आप मैथमेटिक्स उस बच्चे को, सिर्फ आपने इतना कहना है आप पढ़ें हमसे, नहीं पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारी कॉम डेफिनेटली इंडियन पाकिस्तानी भी काफी अर्से तक एक साथ रहे हैं और ये बात देखी गई है कि एनीथिंग ऑफर्ड टू देम एज फ्री इज यूजलेस, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फ्री चीज यूजलेस होती है। तो ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की तो डेमो है, ये ना सिर्फ एक लेसन है। तो वो लोग जो हमसे पढ़ना ना चाहें, वो कम से कम अपने बच्चे को इन चारों लेसन्स को दिखाएं, 100% उनको बेनिफिट मिलेगा। और अब मैं पहली बात शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा बेहतर हो जाए और ना कि हम बातें बनाते रह जाएं। तो हम पहली बात जो आज करने जा रहे थे, मैंने पहले वो तीन लेसन्स देखे, फिर अपने स्टूडेंट्स को, मेरे अपने बच्चे भी हैं, उनको दिखाया और उनसे पूछा कि भाई प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। मैं हैरान हो गया एक बात को जान के, और फिर उस बच्चे की जब मैंने बुक्स देखना शुरू की तो वहां पर, यानी उन बच्चों को, चाहे क्लास वन का एक बच्चा है, फिर फोर का है, फाइव का है, उसको न जाने क्या कुछ पढ़ाया गया है। ज्योमेट्री बताई गई है, ये ट्रायंगल होता है, ये डिग्री होती है, ये होता है। और जब हमने एक चीज का उसमें इस्तेमाल किया था और वो बच्चा कहने लगा कि ये मैथ के अंदर ये क्या होता है, ओहो, मैंने अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या मजाक है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि मैथ में ये जो आपने ए लिखा है ये क्या है। ओ, मैंने कहा अच्छा अपनी बुक लेकर आओ। उसकी बुक देखना शुरू की मैंने, और जब मैं बुक देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि उसमें ज्योमेट्री है, उसमें न जाने क्या कुछ है, क्या क्या तस्वीरें बनाकर उन बच्चों को बताया गया है, अजीब अजीब चीजें बताई गई हैं, और उन्हें अभी तक सिर्फ एक छोटी सी बात, अगर मैथमेटिक्स, वो चाहे आप यूं कहें कि जिन्होंने अरेंजमेंट की है उन्होंने गलत अरेंजमेंट की, एक छोटी सी बात जो उन लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक घंटा आपका बच्चा ये लेसन्स देखेगा, वो चाहे फीस देकर देख रहा है हमारे लेसन्स को या विदाउट फीस देख रहा है, ये अब आप पर है कि पैसे देने के बाद आप वही चीज आपको अच्छी लगने लगे या विदाउट फीस भी आप समझें कि ये मैसेज दिया क्या जा रहा है। खैर, अब हम बताते हैं। हुआ ये कि बच्चे को ये तो बता दिया गया कि जी जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। जब भी हम बच्चों से पूछते हैं वो इनको नाइन डिजिट्स कहते हैं, जबकि ये जीरो से लेकर नाइन जो है वो टेन डिजिट्स बन रहे होते हैं। अगर साथ में बच्चे को ये बता दिया जाता कि ए बी सी डी, कहीं पे आबा काडा पढ़ाया जा रहा है, अगर उसे बताया जाता कि बेटा ये इंग्लिश का जो अल्फाबेट ए बी सी डी है, जब ये मैथमेटिक्स में आते हैं तो यहां पर इनको
वेरिएबल कह दिया जाता है, वेरिएबल कह दिया जाता है कि कांस्टेंट। तो अगर हम कहें उस बच्चे को कि बेटा दो एप्पल लेकर आना, तो वो दो एप्पल ले आएगा। वो दुनिया का कोई भी बच्चा हो, अगर उसे टू एप्पल, थ्री एप्पल या थ्री प्लेट्स, जैसा कि स्कूल वाले मंगवा रहे होते हैं, तरह तरह की चीजें बच्चे से मंगवाते हैं, क्वांटिटी आगे लिख देते हैं, तो बच्चा ले आता है। बट अगर ये लिख कर दिया जाता कि ए बनाना लेकर आ जाना, तो वो बच्चा कितने बनाना लाता। हाँ, मैं एक हमारे टीचर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें मैं बिल्कुल कहने का मतलब हम स्काइप से साइन आउट कर लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस हो रही थी। खैर, अगर हम बच्चे से कहते हैं कि ए बनाना ले आना, खैर, तो पहले वेरिएबल को अच्छी तरह डिफाइन कर दें, ताकि वो बात जो शुरू हुई है कि बच्चे को सिर्फ इतना बताना था कि बेटा ए बी सी डी ई से लेके जो जेड तक अल्फाबेट्स इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहे थे, वो मैथमेटिक्स की दुनिया में उनको वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती है। कि अगर हम किसी को कहें कि डी बलून्स ले आना, तो वो कितने बलून लेकर आएगा, उसे मालूम ही नहीं होगा कितने बलून लाने। तो अगर अमेरिका में बैठे हुए बच्चे को हम कहते हैं कि डी बलून्स ले आना, वो हो सकता है 20 बलून ले आए। और सिंगापुर में एक बच्चा बैठा हुआ था, उससे मैंने सवाल पूछा, हांगकांग में पढ़ाता हूँ, उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम बी बलून्स लाओगे तो कितने होंगे तुम्हारे हिसाब से, कहने लगा मैं 20 ले आऊंगा। हाँ, तो अगर इन बच्चों को इतनी मुश्किल बातों से साथ सिर्फ इतना बता दिया जाता कि बेटा ये ए बी सी डी ई से लेके जेड तक ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, तो बच्चा क्लास वन से लेके जब भी वो इन अल्फाबेट्स, जब भी वो अलजेब्रा तक, अलजेब्रा का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर हम बता सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का वर्ड पढ़ाए बगैर उनको सब कुछ पढ़ा दिया गया। तो ये एबीसीडी पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम थी कि बच्चे को बता दिया जाता कि बेटा ये अगर कॉन्स्टेंट नंबर है और ये एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ जो अल्फाबेट्स हैं, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। बस ये बात बतानी थी, ये पहली बात थी जो बच्चे को क्लास वन से बता देनी चाहिए कि ए बी सी डी से लेके जेड तक का वजूद, इनकी इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में है और ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक लाइन में बताना था, बस बात खत्म हो जाती। यहीं तक हम अपनी बात खत्म करते हैं कि पहली बात बताना बच्चे को ये जरूरी है। दूसरी बात, सेकेंड बात, एक खातून आती हैं मैथमेटिक्स का, हमने उनके पास होम टीचर भेजा, टीचर गया पढ़ाने लगा और कहने लगी मैंने अमरीका जाना है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगी अच्छा वहां तो हम फला फला एक नामवर एकेडमी का नाम लिया जो विदाउट फेस, यानी वहां पे फेस भी नहीं दिख रहा होता, एक साहब पढ़ाना शुरू कर देते हैं और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि वी आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन फॉर होम। पाकिस्तानी और इंडियन वैसे भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, तो हमें अंग्रेजी बोल के बहुत सुकून मिलता है, एंड वी ट्राई टू डिलीवर लैंग्वेज सॉरी द लेक्चर्स इन इंग्लिश। क्यों भाइयों और बहनों, अगर आपको पढ़ाना है तो आप सिंपली एक ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसके घर में जो गुफ्तगू हो रही है वो हिंदी या उर्दू में हो रही है। अंग्रेजों को क्या टारगेट कर रहे हो? यूरोप में तो वैसे ही बच्चों की तालीम फ्री है, जर्मनी में हायर स्टडीज फ्री है, सो व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग योर लेक्चर्स इन इंग्लिश? Why you are not targeting those Pakistanis and Indians, those speak Hindi or Urdu at their home? और जो बात इंसान को अपनी लैंग्वेज में समझ में आती है वो किसी और लैंग्वेज में समझ नहीं आती है, मेन बात। खैर, तो हम इसीलिए हमारा टारगेट वो बच्चा है, वो पाकिस्तानी, वो इंडियन बच्चा जो अंडरस्टैंड जब नहीं कर पाता तो उसे कोई समझाने वाला नहीं होता। अब एक दफर बच्चा वो पहले ही हो, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इधर वो सिंधी हो, इधर वो मराठी हो, इधर वो पंजाबी हो, इधर वो तमिल हो, पहले ही उसको समझ में नहीं आ रहा हो मैथमेटिक्स, और अब आप उसको इंग्लिश में मैथ समझाने की कोशिश करें, वाओ, यानी गुलामी की भी हद हो गई है कि आप एक बच्चे को जो बेचारा पहले ही डफर की क्वांटिटी यानी काउंटिंग में आ रहा है और आप उसको मैथमेटिक्स समझाएंगे और आप उसको इंग्लिश में समझाएंगे, ये तो कभी अपने माथे को थोड़ा सा कोई हिलाकर देखे और सोचे कि उस बच्चे को
जिस घर यानी हम ये कहें कि जिस यानी क्या कहते हैं, अच्छा ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद बड़ी काम की बातें की गई हैं तो शायद मैं ज्यादा बोल गया, अब हम वापस आते हैं। तो खैर मैंने उन खातून से पूछा जो कह रही थी मैंने फलां फलां एकेडमी से मेरा बच्चा लेक्चर लेता है। मैंने कहा मैडम ये बताइए 3-2 क्या होता है? फौरन उन्होंने कहा 1 होता है। और ये सवाल मैंने उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चों से पूछा और फौरन उन बच्चों ने यही जवाब दिया कि 3-2 = 1। यही उन खातून में जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ है, पढ़ा लिखा होने का दावा करती है, बच्चे को पढ़ाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाती है, फौरन फट से जवाब दिया 3-2 = 1 होता है। अब बच्चों से भी पूछा था मैंने, अपने बच्चों से भी पूछा था और मैं ये समझ रहा था उसके बाद मुझे स्कूल पर गुस्से के अलावा क्या आना था। खैर 3-2 = 1। फिर मैंने सिंपल पूछा कि 3 का साइन क्या है? आप भी पूछे अपने बच्चे से कि 3-2 = 1 तो 3 का साइन क्या है? फौरन से उन खातून ने जो जवाब दिया वही मेरे बच्चों ने जवाब दिया, वही जो दूसरे स्टूडेंट्स मेरे पास चले आ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग जब प्रिपेयर करवा लेते हैं कि जी फला फला बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ने के बाद, या ये अमेरिका में पढ़ता है, ये हांगकांग में पढ़ता है, ये कोरिया जापान इटली में पढ़ रहा होता है, फौरन उसने जवाब दिया 3 का साइन माइनस है। मुझे हकीकत में शॉक लगा। और फिर खैर जब मैंने उन खातून से कहा कि बहुत 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 आपने गलत जवाब दिया, तो वो समझ गई। तो डेफिनेटली माइनस के बाद एक ही ऑप्शन था इंसान के पास प्लस का। तो ये दूसरा जो मेन पॉइंट यहां पर बताना मकसद है कि बच्चे को सबसे पहले ये तो बता दिया गया है कि 5-4 = 1, साथ में ये भी बता दिया जाए कि 5 का साइन पॉजिटिव है, इस 1 का साइन पॉजिटिव है। आगे इसी तरह के कुछ और सवालात हमने लिख लिख कर पूछे कि a - b + c, तो जी b का साइन क्या है? तो b का साइन माइनस है। कहने का मतलब ए का साइन प्लस है। तो ये साइन की कंफ्यूजन हमें देखने का मौका मिला कि बच्चा आज की तारीख में साइन में कंफ्यूज है। तो इसीलिए एक लेक्चर, और मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत लाइक करता है, साध उसका नाम है, और उसने मैंने चाहा भी कि भाई हम उनको ना पढ़ाएं, इसलिए कि छोटे बच्चों को पढ़ाना वैसे बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बट वो कहता है नहीं सर आप मुझे पढ़ाएं, आप मुझे अच्छे लगते हैं। खैर तो अब ये एक हम यहां पर एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1/5 लिखा है, -3/2 लिखा है, +4/5 लिखा हुआ है, -7/6, तो ये 4/5 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। 3/2 का साइन क्या है? नेगेटिव है। 1/5 का साइन क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ, पॉजिटिव इसका साइन है। तो मेनली ये बताना यहां पे मकसद था कि इनके साइंस बच्चों को बताए जाएं। बच्चा सब कुछ जान चुका है, उसे पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। फिर एक और बड़ा मजे का सवाल, सेकंड बात हम बताएं, बच्चे ने पूछा जी 5-3 कितना होता है? फौरन उसने कह दिया 2, मिनटों में जवाब दे देता है इंसान 2। अब बच्चे से पूछा जाता है 5/1 - 3/1 क्या जवाब होता है? थोड़ा सा बच्चा सोचा, कहने लगा 2 होता है। काफी सोच के उसको ये जवाब देना पड़ा कि 5/1 - 3/1 = 2 होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट सिर्फ बच्चे को याद करवा दिया जाए, समझा दिया जाए कि सिंपल कि जो हम 5-3 = 2 लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो बड़े आराम से हम 2/1 लिखें या सिंपल 2 लिख दें, 1 लिखा नहीं जाता तो डायरेक्टली हम 2 लिख रहे होते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे होगा ये कि जब बच्चा आगे आता है तो 5/16 - 3/16, तो सिंपल बच्चे को पता होगा कि यहां पर जब डिनोमिनेटर सेम है तो 5-3 = 2, और आप कहेंगे 16 वैसे लिख दो बस। अब बच्चा सिंपल 7/100 - 6/100 तो 1/100 लिख देगा। फिर आप देखेंगे कि बच्चा खुद ब खुद 56/5000 है, -55/5000 है, तो आप कहेंगे कि 1/5000 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और यही कॉन्सेप्ट्स बेसिक हमने डिस्कस किए हैं। हकीकत में जो बच्चा रात को सोने से पहले, वही बात कि हमने कोशिश की है कि बच्चे एक घंटे में सिर्फ इस लेक्चर को, 4 लेक्चर की कॉम्बिनेशन बनी है, 4 लेक्चर बच्चे सोने से पहले देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा।
बता दें ए बी सी डी ई एफ जी एच जो ये पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ये वेरिएबल कहलाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इतनी छोटी सी बात आपको लगता है एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाँ, जिनको आप जीनियस कह रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चा तो बहुत जीनियस है, तो जीनियस को सिर्फ ये बताया जाए कि बेटा ये ए जो है ये मैथमेटिक्स की दुनिया में जो है ये एक वेरिएबल है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, इतना ही बताना है बस। साथ में कॉन्स्टेंट तो वो वैसे पढ़ रहा होता है, तो यहां नंबर को सिर्फ आप उसकी कैटेगरी बता दें, ये जो जीरो है, ये फाइव है, ये सेवन है, ये है क्या, एक नंबर है। नंबर क्या है? एक कॉन्स्टेंट है। उसकी कैटेगरी जब आप बताएंगे कि ये कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये कॉन्स्टेंट है तो फिर इसके पैरेलल में क्या है? एक वेरिएबल है। वो क्या है? ए से वी तक। बस अब इसके बाद तीन और लेसन है, वो आप वॉच करें, बच्चे को दिन में एक बार दिखाएं जब तक उनको रट ना जाए, और फिर उससे पूछें, एक बार आप भी देखें, आपको मजा आएगा। बस यही मेरा लेक्चर था, और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को हिंदी उर्दू में ही पढ़ाया जाए, बट इन केस इफ यू हैव एनी कंसर्न, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दीज लैंग्वेजेस एंड इफ यू वॉन्ट अस टू डिलीवर द लेक्चर इन इंग्लिश, यस वी कैन डू द सेम थिंग। मगर हो ये रहा है कि इतने लोग ऑलरेडी इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बुनियादी मकसद मेरे हिसाब से मजे की बात, कोई जाके मतलब मैं खैर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, सिंपली बच्चे को उसकी लैंग्वेज में ही अगर लेक्चर मिल जाए ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद तीन लेक्चर देखें, उनमें बहुत काम की बातें कही गई हैं, 100% आपके बच्चे को जरूर फायदा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।